हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब भी आप कभी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, जैसे हम जा रहे हैं लद्दाख, तो आपको क्या क्या जनरल चेकअप करवाना है और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा पार्ट्स लेके जाने हैं और क्या क्या काम आपको सीखना है, ताकि जब भी आप लॉन्ग रूट पे जाए कोई भी आपको समस्या है उसको आप खुद से ठीक कर सकें। तो हमारे साथ में साजिद भाई, जो कि हमें सारी जानकारी देंगे कि क्या क्या लंबे रूट पे जाने से पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या आपको छोटा मोटा काम सीखना चाहिए, ताकि आप खुद से चेंज कर सके जो भी चीज़ें, और एक्स्ट्रा पार्ट्स क्या क्या ले जाने चाहिए। तो साजिद भाई, वेलकम है हमारे चैनल पर आपका। हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि भाई लंबे रूट पर जाने से पहले क्या क्या आप गाड़ी में चेक करवाएँ। जैसे जब भी लंबे रूट पर जाते हो तो गाड़ी में सबसे पहले ऑयल का लेवल चेक करना, या अपने आगे पीछे के डिस्क ब्रेक का ऑयल चेक करना, डिस्क ब्रेक पैड चेक करना, चेन वगैरह चेक करना, क्लच वगैरह चेक करना। और अगर जैसे लंबे रूट पर जा रहे हो तो क्लच वायर एक साथ में एक्स्ट्रा ले लो, या एक्सलेटर वायर साथ में ले लो। जैसे फ्यूज बॉक्स हुई, अगर जैसे कस्टमर खुद गाड़ी चला रहा है, अगर मैकेनिक अवेलेबल नहीं होता है या पास में कोई शोरूम नहीं होता है, तो उसके लिए आपको जैसे फ्यूज़ बॉक्स हुआ, फ्यूज़ की नॉलेज ले लेनी चाहिए, या पंप के रिले वगैरह होते हैं तो अपन छोटी मोटी प्रॉब्लम अपन खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ टेक्नीशियन से सीख लेनी चाहिए। साजिद भाई, हमारी गाड़ी 5000 समथिंग किलोमीटर चली है, तो हमें क्या क्या लेना चाहिए साथ में? सर, आपकी गाड़ी 5000 किलोमीटर चली है तो उसके बाद आपने ऑयल चेंज करवाया है। हाँ, उसके बाद ऑयल चेंज कराया तो आपका ऑयल का लेवल चेक हो जाएगा, टॉप अप हो जाएगा, ऑयल का लेवल कम होगा तो। और एक्स्ट्रा पास में क्लच वायर हुआ, जैसे आप मिट्टी वगैरह में चलते हो तो एयर फिल्टर वगैरह भी ले सकते हो, अगर आप चेंज कर सकते हो तो। बस चेन क्लीनर, चेन लूप। तो गाइज, पहले जो आपने हमारी मीटियोर की फर्स्ट वीडियो देखी थी सर्विस की, वो भी साजिद भाई ने बनाई थी, उनका पूरा पूरा क्रेडिट आप साजिद भाई को जाता है। तो गाइज, ये हमारी बाइक जा रही है सर्विस के लिए, ये हमारी चौथी सर्विस है इस बाइक की। तो ये पूरा जनरल चेकअप हो जाएगा गाड़ी का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लंबे रूट पे जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली गाड़ी को। और हम एक्स्ट्रा वायर वगैरह भी लगा लेंगे, स्पार्क प्लग भी ले लेंगे, ताकि अगर बाइक में कोई दिक्कत आती है तो हम खुद से चेक कर सकें और उसे चेंज कर सकें। तो वैसे ये जनरल चेकअप के लिए हमारी बाइक लग चुकी है। बेसिकली जो सर्विस के अंदर जो चेक होता है वही होगा, बस ये ऑयल लेवल वगैरह चेक कर लेंगे, कोई कहीं पार्ट्स कोई लूज़ तो नहीं है, वो सब कुछ ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम इंजन ऑयल चेक करेंगे इसका। तो गाइस, सबसे पहले गाड़ी को ऑन करके इसका इंजन ऑयल चेक किया जा रहा है, उसका लेवल कितना क्या है। तो कैसे पता लगेगा, उस इसमें मार्क करा हुआ है क्या? मार्क करा हुआ है जी, दो पॉइंट दिए हुए। अच्छा, ये तो अपना मैक्सिमम होता है जी, जिसमें अगर ऑयल लेवल कम होता है। हाँ। और ये अपना फुल होता है, जो अपना दूसरा वाला पॉइंट होता है, इसमें अपना ऑयल का लेवल चेक होता है, जो प्रॉपर ऑयल चेक, अपना प्रॉपर ऑयल है, प्रॉपर ऑयल पूरा है इसके अंदर अभी ऑयल। ठीक है, ठीक है। तो अपनों को इसमें टॉप अप करने की भी जरूरत नहीं है? नहीं है। वैसे टॉप अप करने की जरूरत कब पड़ती है? टॉप अप करने की जरूरत पड़ती है अगर इससे लेवल से कम होता है तो। हाँ। तब टॉप अप करते हैं हम ऑयल। अभी जैसे हम 3-4 हज़ार किलोमीटर जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चेक कर रहे हो? क्या? एयर फिल्टर। तो नेक्स्ट चेक कर रहे हैं ये इंजन ऑयल के बाद एयर फिल्टर। तो गाइस, यहाँ से ये इसको साइड बॉक्स को खोलेंगे और इसके बाद में इसका एयर फिल्टर चेक किया जाएगा। तो गाइस, ये भैया ने एयर फिल्टर निकाला है, तो इसमें भैया से पूछने कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो भैया, इसमें क्या लग रहा है आपको? ये चौक हो रखा है तो इसलिए चेंज करना पड़ेगा एयर फिल्टर। अच्छा, चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं तो अगर चेंज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा बाद में। अच्छा, मिट्टी वगैरह आया, इंजन के पिस्टन में जाएगी तो पिस्टन रिंग कट जाएगी, पिस्टन कटेगा, वाइट स्मोक देना स्टार्ट कर देगी गाड़ी। तो वैसे ये कितने किलोमीटर पर चेंज होता है? ये वैसे बाइक बेसिकली तो हो जाता है 5000 किलोमीटर पे, 7000 किलोमीटर पे, और वैसे कंडीशन पे डिफेंड करता है। अपन जैसे गांव वगैरह में चलते हैं तो जल्दी चेंज हो जाता है। तो गाइज, ये नया एयर फिल्टर आ चुका है, अब इसे फिट करेंगे भैया। एयर फिल्टर चेंज करने के बाद पूरा इसको जो साइड बॉक्स है इसको वापस पैक कर रहे हैं भैया। अब भैया, अगला क्या चेक करोगे आप? चेक करेंगे ब्रेक पैड हुए, पीछे के ब्रेक पैड हुए, चेन वगैरह हुई, ये चेक करेंगे, उसके बाद आगे चेक करेंगे। तो गाइस, भैया बोल रहे हैं कि जो ब्रेक पैड है वो आधे हैं, तो हम एक काम करेंगे, एक एक्स्ट्रा ब्रेक पैड हम लेके चल जाएंगे साथ में, और अगर हमें लगेगा तो हम ले के अंदर उसे चेंज करवा लेंगे। तो भैया, मैकेनिक के थ्रू ही चेंज होगा या खुद से भी कर सकते हैं? खुद भी कर सकते हैं। हाँ, तो एक बार आप बता दो कैसे क्या चेंज करना है। ब्रेक पैड होते हैं, यहाँ पेचकस लगाना है, ये हल्का सा दबाना है, ये फ्रेश करना है, और ये वाला पैड पूरे पिस्टन को अंदर दबाना है अपने को। अब ये बिल्कुल फ्री हो गया टायर, हो गया बिल्कुल फ्री हो गया। अपने को एक क्वार्टर पिन निकालनी है,
ये क्वार्टर पिन निकालनी है, ये किसी चीज़ से बारीक पेचकस से या किसी चीज़ से अपने को पिन निकालनी है। पिन निकालने के बाद दोनों पेड़ बाहर निकालो, मैं निकाल के बता देता हूँ एक बार आपको। तो गाइस भैया हमें बता रहे हैं ब्रेक पेड़ कैसे चेंज करना है, तो इसमें एक पिन है और पिन को बाहर निकालना है, उसके बाद ही ब्रेक पेड चेंज होंगे। ये अपने डिस्क पेड बाहर आ गए, ठीक है, ये दोनों डिस्क पेड बाहर आ गए, पेड़ बाहर आ गए, बाहर आ गए, ठीक है। वापस लगाना है अपने को, ये वाला पेड़ इस साइड जाएगा, ठीक है, आगे पत्ती लॉक है उसमें बैठ जाएगा, यूँ पकड़ के रखना है, ये वाला लगाना है, ये लग गया, ये पिन लेनी है, वापस पिन डालनी है, ये अपने डिस्पेड लग गए, ठीक है, ये हो गए डिस्पेड। इस पिन को थोड़ा उधर से जाके पेचके से ठपकारना है, या कोई पिलास हो उससे ठपकारना है, अंदर आ जाएगा लॉक, पिन अंदर आ जाएगी, उसके बाद ये अपने को क्वार्टर पिन लगानी है, लॉक कर दे, लॉक पिन लगाएं, कैसे लगाएंगे लॉक पिन लगा के बता देता है। तो गाइस ये देखिए पिन हटाने के बाद पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। पिन हटाने के बाद आपको आपके डिस्क ब्रेक के जो पैड है वो चेंज करके इस पिन को आगे से प्रेशराइज करना है पेचकस के जरिए, उसके बाद में केवल आपको पिन लगानी है और इजीली आप ये बदल सकते हैं। ये देखो भैया ने लगा दिया और ये इन्होंने पिन लगा दी। पिन कैसे लगेगी, होल दे रखा है, ठीक है, और पेड़ के इस साइड में ही है होल, ठीक है, एक ही होल है और वो भी पेड़ के इस साइड में, ये लगाया तो ये प्रेस कर दिया, ये हो गए फिक्स इस पेड़ पे। इसके बाद अपने को ब्रेक पैडल को दो बार तीन बार फ्रेश करना है, ठीक है, ये अपने आगे ब्रेक आगे अभी अपने ब्रेक फर्स्ट क्लास आगे वापस, ये ब्रेक कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होती, कुछ नहीं करना है आपको, पेड़ चेंज करता है सेटिंग वगैरह तब करने, तब फ्री पले ज़्यादा हो या पले कम हो तो अपने एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे पेंडल हार्ड हो गया हो या टाइट चल रहा हो तो यहाँ से लूज कर सकते हैं। जनरली कोई इशू नहीं आता, जनरली इशू कोई नहीं आता वैसे, जब तक नहीं आएगा या तो डिस्पेड खत्म होंगे तभी आएगा, या ब्रेक कभी फेल हो जाता है तो आता है, नए में कोई दिक्कत नहीं आती, नए में कोई दिक्कत नहीं आती, नहीं ऐसा कुछ नहीं आता। अब क्या चेक कर रहे हैं, मैं ब्रेक का लेवल चेक कर रहा हूँ, ब्रेक ऑयल। तो भाई सब चेक कर रहे हैं भैया ब्रेक ऑयल पूरा है अपना, मैक्सिमम लिखा हुआ है, यहाँ तक ऑयल अपना पूरा है, तो अपना ब्रेक ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना टॉप ऑफ करने की ज़रूरत है, अपना ऑयल प्रॉपर है। भाई देखिए इस पे मार्क कर रखा है मैक्सिमम का, अगर इससे नीचे जाना है तो जाता है तो आपको टॉप ऑफ करने की ज़रूरत है, अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, ये ओके है। भाई ये ख़राब नहीं होता है जैसे इंजन ऑयल ख़राब होता है, वैसे ऑयल ख़राब होता है पर वो जब भी अपन जैसे 20,000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर होती है तो हमें रिप्लेस करना होता है, तब ऑयल चेंज करना होता है, एक पाइपें भी चेंज करनी होती है, ठीक है। तो इसको भैया फिर से पैक कर रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। के बाद अपन चेन एडजस्ट करेंगे, क्या चेन। अब भैया चेन देख रहे हैं, चेन को एडजस्टमेंट करेंगे चेन का। तो अपनी चेन अभी सही है, बिल्कुल ओके है, सिर्फ अपन को इसको क्लीनर मार के साफ करना है और वॉशिंग के बाद लूप लगाना है, और कुछ नहीं करना है चेन में। अगर भैया एक चेन वगैरह का भी ढीली हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे खुद से कर सकते हैं, उसके लिए मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी? मैकेनिक नहीं, आप खुद कर सकते हो, आपका टूल किट है उससे आप चेंज कर सकते हो, वो सही कर सकता हो। वो कैसे चेक करेंगे, कुछ आइडिया बता सकते हो? जैसे चेन सेटिंग होती है ये वाली, यहाँ पर डॉट लगे हुए हैं, जैसे ये लाइन बनी हुई है, ठीक है, ऐसी लाइन उस साइड होगी, ठीक है, अगर इतनी लाइन पर अपन पीछे रखेंगे, तीन लाइन पीछे रख रखा है तो तीन लाइन पर भी, या इस वाले राइट साइड में भी तीन लाइन पर ही रखना पड़ेगा आपको चेन एडजस्ट को, और अगर जैसे चेन टाइट लूज है चेन, तो आप इस नट को टाइट करोगे तो चेन टाइट हो जाएगा, ये हैलेंके का नट दे रहेगा, तो टाइट होगी चेन, कितनी टाइट करनी है वो आपको खुद को देखना पड़ेगा हाथ से, या फिर स्केल से किसी से भी देख सकते हो आप, जैसे नाप सकते हो, और अगर लूज करनी है तो इसको लूज करोगे टायर आगे की ओर चला जाएगा, चेन लूज हो जाएगी, वैसे अभी प्रॉपर है, ऐसी समस्या आती नहीं है? आती नहीं है, फिर भी आती है तो आपका जो टूल किट है उसमें पड़ा है प्लग, जैसे अपने खोल, चेन का नट खोल सकते हैं, 24 नंबर का नट खोल सकते हैं,
बाकी इसमें जो डॉट दे रखे हैं तो उस साइड के डॉट इस साइड के डॉट दोनों प्रॉपर लाइन होने मैच होने चाहिए। अगर हल्का फुल्का भी आगे रहेगा तो अपने जो डिस्प्लेट है वो कैलिपर में अड़के चलेगी, ब्रेक जाम हो जाएंगे या चेन एक साइड से टाइट करेंगे। वो फिर से बताओ, जैसे ये तरफ डॉट लगे हुए हैं तीन, ये लाइन बनी हुई है, इसी तरह भी लाइन बनी हुई है। अगर आपको टाइट करनी है तो पीछे की ओर आएगा एक्सल, एक्सल पीछे की ओर आ रहा है तो इधर पीछे तीन लाइन है, इस साइड भी तीन ही लाइन होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लाइन है। इसका पूरा काम है इस एलन की के से ही होगा। इससे होगा। 24 नंबर का नट अपन को लूज करना है, ये वाला एक्सल का। ये 24 नंबर का नट लूज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से एलन की से सेट करना है अपने। ठीक है, फिर वापस टाइट कर देना है। वापस टाइट, इनको कुछ नहीं करना है, इनको लूज टाइट करना खाली। या आपकी चेन लूज करनी है वहाँ लूज हो जाएगी, या टाइट करनी है टाइट हो जाएगी, फिर वापस 24 नंबर को नट को टाइट कर दो, आपकी चेन टाइट हो जाएगी। ठीक है भैया। तो गाइस भैया ने चेन टाइट करना भी बता दिया है, अगर लूज होती है टाइट होती है तो कैसे उसको अपन कर सकते हैं। अब आगे क्या चेक करोगे? जैसे आप पंचर बनाना चाहते हो, जैसे कभी गाड़ी पंचर हो जाती है तो उसके लिए आपको ये 24 नंबर का नट खोलना है ओनली फॉर, और कुछ भी नहीं खोलना है। खोलना कुछ भी नहीं है इसमें, तो ट्यूबलेस है। वैसे भी अगर पंचर अंदर का बनवाना चाहते हैं अपन, कि भाई जैसे बाहर का ट्यूबलेस में नहीं बनवाता हो, तो बाहर वाले ट्यूब पंचर में क्या कभी कभार रोड पे जब ऊपर का रोड होती है ना उस पर टायर ले रहता है, इसलिए अधिकतर अंदर वाला टायर पंचर बनवाते हैं। तो अपने को 24 नंबर का नट खोलना है, एक्सल बाहर निकालना है, और सिर्फ यहाँ से ये स्पॉकेट बाहर निकालना है, और ऐसे कैसे टायर बाहर निकालना है, और कुछ नहीं करना। वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम चेक करेंगे आगे वाले ब्रेक का ऑयल लेवल। तो यहाँ से भैया इसका ऑयल लेवल चेक कर रहे हैं डिस्क ब्रेक का। कई बार होता है ऑयल दिखता नहीं है, काला हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, दिखता नहीं है। ओपन करके चेक कर लेते हैं अपन। ऑयल पूरा है अपना, आगे वाले ब्रेक का ऑयल भी लेवल पूरा है। उसका लेवल कितना होना चाहिए? ये देर का सर विंडो में, अब देखो विंडो में दिख रहा है आज ऑयल, मतलब बाहर से चेक कर सकते हो। बाहर से चेक कर सकते हो। वो कई बार क्या होता है ना, दिखता नहीं, हल्का फुल्का काला हो जाता है, दिखता नहीं है ऑयल, उसकी वजह से। गाइस जो आगे वाले डिस्क ब्रेक का जो ऑयल है वो भी प्रॉपर है, उसे भी टॉप अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये भैया ने चेक कर लिया, अब आगे वाले डिस्क ब्रेक के भी पैड चेक करोगे या नहीं? चेक करेंगे आगे वाले पैड, चेक करेंगे। जो आगे वाले डिस्क ब्रेक के पैड है वो प्रॉपर, अभी उसमें काफ़ी अच्छे रनिंग कर लेंगे तो अभी हम वो चेंज नहीं कराएंगे, केवल जो पीछे वाले डिस्क ब्रेक है उसके हम एक्स्ट्रा पैड लेंगे। तो ये अपना आगे के डिस्क ब्रेक भी चेक हो गए, अब क्या चेक करने वाले हैं आप? आपको बता देता हूँ, फ्यूज़ वगैरह, रिले वगैरह, पंप के रिले वगैरह, वो सब चीज़ बता देता हूँ। तो इस वाले में फ्यूज़ होते हैं, इस वाले बॉक्स के अंदर जितना आपकी बैटरी वगैरह सब कुछ इसी में ही है। ठीक है, ये आपकी बैटरी है और ये आपके फ्यूज़ बॉक्स है। ये फ्यूज़ बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है कौन सा नंबर फ्यूज़, कितने नंबर फ्यूज़, कितने किस काम का है और किस किस जगह लगा हुआ है। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ABS का कौन सा फ्यूज़ है, आपका चार्जर का कौन सा फ्यूज़ है, हेडलाइट कौन सा फ्यूज़ है, हॉर्न कौन सा फ्यूज़ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये तीन फ्यूज़ आपको स्पेयर में दे रखे हैं, कभी ये इन फ्यूज़ में से कोई फ्यूज उड़ जाता है तो स्पेयर से फ्यूज़ लगा के आप लगा सकते हैं। ऐसा भी लग सकता है? नहीं, आपके जैसे 25 नंबर है तो 25 नंबर स्पेयर में दे रखा है, 15 नंबर है तो 15 नंबर स्पेयर में दे रखा है, 10 नंबर है तो 10 नंबर स्पेयर में दे रखा है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी फ्यूज उड़ जावे तो ये यहाँ से उठा के यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फ्यूज दे रखे हैं। तो मतलब कभी लाइट वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो फ्यूज चेंज करके देख सकते हो आप। ठीक है, ये जैसे आपके हेडलाइट के जैसे टैंक चलते चलते गाड़ी स्टार्ट बंद हो गई तो इसके अंदर टैंक के अंदर फ्यूल पम्प आता है, अपन जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो फ्यूल पम्प की आवाज़ आती है टैंक के अंदर। मान लो गाड़ी में टैंक में आवाज़ नहीं आ रही है, बंद हो गई, तो आपके ये रिले दे रखे हैं चार, इस पर लिखा हुआ होता है पावर रिले, फ्यूल पंप रिले, हेडलाइट रिले और इग्निशन रिले, इस पर लिखा हुआ होता है चार रिले होते हैं, दो ये लगे हुए, दो यहाँ लगे हुए। ठीक है, तो जो जैसे जो फ्यूल पंप का है वो फ्यूल पंप का रिले निकाल लो, उसकी जगह ये दूसरा वाला रिले डाल दो। अच्छा, अगर आप एक्स्ट्रा दे रखा है, एक्स्ट्रा नहीं दे रखा है, पर इसमें अपन चेंज कर एक्सचेंज कर सकते, देख सकते हो एक्सचेंज करके कि अपना फ्यूल पंप का रिले चला गया तो ये डालने से गाड़ी चल गई, तो आप जैसे कि हेडलाइट का रिले निकाल सकते हो, तो आप जहाँ से दिन में हो तो आप जहाँ से सर्विस सेंटर पास में पड़ता है तो वहाँ तक पहुँच सकते हो उस रिले को, वापस वहाँ जाकर रिप्लेस करवा सकते हो। उससे फ्यूल पंप का हो गया, ये वाला फ्यूल पंप रिले हो गया आपका, एक इग्निशन रिले, वो पावर रिले हो गया, एक हेडलाइट का रिले हो गया, एक इग्निशन रिले। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो एक को उसको चेंज करना है ना? हाँ, एक्सचेंज करके देख सकते हो आप पावर। ठीक है, पावर रिले अगर में दिक्कत आएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये लिखा है पंप रिले खराब होगा तो आगे फ्यूल आगे नहीं बढ़ेगा ना, पंप है, जिसमें जैसे पंप में ये मोटर चल रही है ना, ये चल नहीं रही है, तो ये निकालना आपको।
पावर रिले ये है कि जब आपको गाड़ी स्टार्ट करता है ना, जब सेलअप मारोगे तब ये स्टार्ट करता करंट देके। अच्छा अच्छा, ये दोनों इसके हैं आपके स्टार्टिंग के। उसके बाद इस पे लिखा होगा आपका, तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, मिट गया नंबर, इस पे भी नहीं लिखा हुआ। इसमें आपके एक हेडलाइट का है और एक आपके साइड स्टैंड स्विच का है। अच्छा, साइड स्टैंड, जैसे साइड स्टैंड लगी हुई रहेगी ना तब तो गाड़ी गियर में स्टार्ट नहीं होगी, जब तक आप साइड स्टैंड नहीं हटाओगे। ये तो कॉमन है, ये तो खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेन तो वही दो मेन दो रिले आपके, पावर रिले और पंप रिले। तो गाइस भैया ने स्विच वगैरह भी चेक कर लिए, काफ़ी सही कंडीशन में है और एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको भी पैक कर रहे हैं हम। तो इसमें ही आपके ABS के फ्यूज़ हैं, ठीक है, चार फ्यूज़ है इसमें, ठीक है, दो लगे हुए हैं, दो स्पेयर में है। अच्छा, इसमें भी, इसमें भी दो स्पेयर में है, दो लगे हुए हैं। स्पेयर में कौन से है? स्पेयर में आपके हैं ये बीच वाले, ये साइड वाले, साइड वाले 10 नंबर 15 नंबर। अगर ये ख़राब होगा तो क्या दिक्कत आएगी? ख़राब हो गया जैसे आपका किलोमीटर बंद हो जाएगा, ये ABS काम करना बंद हो जाएगा। अच्छा ऐसा, हाँ, आपके इसमें किलोमीटर स्पीड सेंसर नहीं है। हाँ, ये ABS के साथ ही स्पीड बताएगा, व्हील स्पीड बताता है, ठीक है। अगर ABS ख़राब होगा तो व्हील स्पीड भी बताना बंद हो जाएगा ये। भैया काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं और स्पेशली काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए काम इतना है इनके पास कि टाइम नहीं था, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने टाइम दिया है। मैं सुबह से वेट कर रहा था इनका, तो अब टाइम मिला है इवनिंग के अंदर मुझे। अदरवाइज सारा काम तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी हम इसके अब एक जनरल चेकअप मारेंगे। जनरल चेकअप मारने के बाद जैसे सर्विस पान आता है, सर्विस रिमाइंडर आता है, वो हटाना है, लाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह। जनरल चेकअप में अपने सारे नट बोल्ट चेक करेंगे, जैसे सर्विस पाना, रिमाइंडर हटाएंगे, हेडलाइट वगैरह, इंडिकेटर वगैरह सब चेक करेंगे। कुछ लूज वगैरह होगा, जैसे जैसे बल्ब कोई बंद होगा, हेडलाइट वगैरह सब चेक हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस अब बाइक का जनरल चेकअप हो रहा है और बाकी इन्होंने जो फ्यूज़ वगैरह तो होता है वो सब कुछ बता दिया कि कैसे फ्यूज़ वगैरह में दिक्कत आती है, तो आपको कैसे चेक करना है। डिस्क ब्रेक के जो पैड है वो चेक कर लिए हैं, चेन वगैरह सब कुछ इन्होंने चेक कर लिए। अब जैसे एयर फिल्टर है वो हमने चेंज करवा लिया है, अब एक्स्ट्रा हम क्लच वायर भी लगवा लेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एक पीछे के जो डिस्क ब्रेक के पैड है वो हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो साइड स्टैंड के स्क्रू है वो टाइट कर रहे हैं भैया। तो ये एक जनरल चेकअप में आती है ये सारी चीज़ें, और बाकी जो भैया ने बताए थे वो लंबे रूट पे जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो सारी चीज़ें भैया ने समझाई है। स्पेशली जो रॉयल इनफील्ड जो चलाते हैं उनके लिए ज़्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। साजिद भाई, हमारे व्यूअर्स को एक बात बताइए कि हमारे अभी नॉन है वो मीटियोर बाइक लेके लद्दाख गए थे, तो उनका पीछे का जो शॉकर है वो टूट गया था, वो एक शोकर पे बाइक को दिल्ली तक लाए थे, तो ऐसे समस्या कब आती है? ये समस्या जब आती है जब या तो अपन सिंगाम का जो नट होता है कैची के नट, उसका नट या तो टाइट हो या वो वर्क नहीं करता हो, कैची सिंगाम वर्क नहीं कर रही हो, जैसे सस्पेंशन काम करने की वजह से काम नहीं करती हो, तब इस पोजीशन में जैसे ब्रेकर में गए, खड्डे में गए, तो उस टाइम टूट जाता है, तो और या फिर जैसे शोकर का नट फुल ज़्यादा टाइट हो उस टाइम टूट जाता है। तो आपने हमारे तो चेक कर लिए ना बाइक के? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सब चेक करा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये भैया ने जानकारी दी है शोकर वगैरह में कब प्रॉब्लम आती है, कब वो टूट जाते हैं, जब आप लंबे रूट पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो ऐसी समस्या आती है जो भैया ने हमें बताया है। तो गाइस भैया ने पूरा जनरल चेकअप कर लिया है, अब बारी है चैन क्लीनिंग की। अब भैया चैन क्लीनिंग करेंगे इसकी, ये बहुत ज़रूरी है, और ये तो हमें भी साथ में लेके जाना पड़ेगा चैन क्लीनर, क्योंकि बार बार हमें चैन तो क्लीन करनी पड़ेगी इसकी। अब चैन क्लीन करने का तरीका भी बता रहे हैं भैया कि पहले इसको गाड़ी को ऑन करके इसको पहले गियर में डाल के ऐसे चलानी है और स्प्रे करना है। इसका ब्रश भी आता है, ब्रश से भी साफ़ कर सकते हो, लेकिन हम कपड़े से ही साफ़ करते हैं, ब्रश से हम करते नहीं हैं ऐसे। तो ब्रश भी कई लोग तो बोलते हैं स्प्रे करने करके 5 मिनट तक उसको रहने देना है। नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्लीनर मारने से बाद हम हाथों हाथ भी कर सकते हो, रहने से कुछ नहीं, वो सूख जाता क्लीनर जल्दी। तो गाइस हमारी बाइक का लुक आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने हैजार्ड लाइट वगैरह भी इसके अंदर लगवाई है और इसको प्रॉपर एक टूरिंग बाइक बना ली हमने। तो अगर आपने हमारी एक बाइक को टूरिंग बाइक कैसे बनानी है और आप कैसे एक अच्छे प्रोफेशनल बाइकर्स बन सकते हैं, अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब गाइस ये भैया ने जनरल चेकअप कर लिया है, गाड़ी कंप्लीट है। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा पीछे के जो डिस्क ब्रेक के पैड है वो ले लिए हमने, और साथ में एक भैया एक्स्ट्रा क्लच वायर भी लगा रहे हैं ताकि कभी क्लच वायर अगर हमारे हम टूट जाता है आगे
तो हम इजीली उसको बदल सकते हैं। तो एक क्लच वायर भी हम लगवा रहे हैं इसमें। तो गाइस भैया क्लच वायर लेके आ चुके हैं और भैया हमें बताएंगे कि कैसे क्लच वायर चेंज करना है। तो भैया आप कैसे क्या फिक्स कर रहे हैं इसको, एक बार हमारे व्यूअर्स को बताओ कैसे है? अभी तो हम ऐसे ही अटका रहे हैं। जब भी आप क्लच वायर यू रिप्लेस करोगे तो इसे यहाँ से निकाल लेना है आपको, किसी चीज़ से पाने से किसी चीज़ से क्रूज करके इसको यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, निकाल के दोबारा नंबर का नट है डेबरी खोलनी है, यहाँ से आपको यहाँ से हटाना है। ठीक है, यहाँ से भी इजीली हट जाएगा? ये इजीली हट गया है, दोनों कट ग्रोवर लाना सेंटर में। ठीक है, और ये आपको बाहर निकालना है। ये दोनों कट बराबर होंगे तो यहाँ से वायर आसानी से निकल जाएगा। वायर आसानी निकला अपने लीवर में से निकालना है, रिप्ले बाहर निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो गाइस भैया क्या कर रहे हैं, इसको प्रॉपर वायर को यहाँ पे सेट कर देंगे। हमें कुछ नहीं करना है, ये वायर निकालना है और उसे सेट करना है। तो ये वापस भैया एक बार लगा रहे हैं। लगाओगे तो आपको ये क्लच लीवर में लगाना है। ठीक है, ये क्लच लीवर में लग गया है, यहाँ लाना है वापस। इन दोनों कट्टों में लाए, ये बैठ गया। उसके लूज टाइट करना है तो लूज टाइट करने का मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये कट है, जब भी आपको इसको लॉक, ये लॉक नट है इसका, ये लॉक नट है, यहाँ से टाइट हो रहा है और ये लूज हो रहा है। लूज करने के बाद अगर ये कट यहाँ है तो इस कट को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। दोनों को सेंटर में नहीं रख सकते, दोनों में सेंटर में रखोगे तो ये वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी भैया इसको एक जो एक्स्ट्रा वायर हम लगवा रहे हैं उसको सेट कर रहे हैं भैया। अभी इन्होंने बताया है कि कैसे आपको निकालना है, कैसे आप चेंज कर सकते हो, वो तरीका भैया ने अभी बता दिया है। तो स्पार्क प्लग है 20,000 चलने के बाद चेंज होता है, भैया ने बोला है कि अभी उसको छेड़ना नहीं है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी भाई हमारे टूरिंग करने के सोच रहे हैं, एक लंबे सफ़र पे जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हम एक अच्छा एक यादगार सफ़र तय करें, तो उसके लिए आप पहले आपकी बाइक को पूरा चेक करवा लें, छोटा मोटा काम सीख लें, उसके बाद ही आप बाइक को लेके जाना। तो ये वीडियो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अब ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये हमारी बाइक जाएगी वॉशिंग के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो बाइक है वो वॉशिंग होके आ चुकी है, प्रॉपर इसको वॉश कर दिया गया है और इस पर जो पॉलिश होती है वो भी कर दी गई है। अब हम लगा रहे हैं इसमें इंजन गार्ड, ये देखिए इंजन गार्ड है, ये लगा रहे हैं ताकि क्या है जब हम हिल स्टेशन पर जाएंगे तो पत्थर वगैरह इंजन पर लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो चीज़ हम इस पर लगवा रहे हैं। और साथ में चेन पे लूप होगा, लूप यानी कि ग्रीसिंग होगी चेन पर, क्योंकि हमने इसको स्प्रे तो करके साफ तो करवाई ली थी, बस अब इसमें ग्रीसिंग करवाना बाकी है। तो ये एक लुक ये देख सकते हैं वॉशिंग होने के बाद कैसा लुक आ रहा है बाइक का। तो गाइस हमारी जो मीटियोर थी वो अब लंबे सफ़र के लिए तैयार हो चुकी है और हमने इसमें ऑयल चेंज नहीं करवाया। ऑयल इसलिए चेंज नहीं करवाया क्योंकि मैंने अभी 1,000 किलोमीटर ही चली है मेरी गाड़ी, उससे पहले मैंने ऑयल चेंज करवा लिया था, क्योंकि जो रॉयल इनफील्ड की गाड़ी है उसमें 5,000 किलोमीटर चलने के बाद ही ऑयल चेंज होता है। मेरी फोर्स सर्विस थी जो कि फ्री थी, जो मेरा चार्ज लगा केवल जो मैंने सामान लगाया उसका लगाया, तो मेरा जो क्लच केबल था उसका मेरा चार्ज लगा 170 रुपये और जो एयर फिल्टर लगा है उसका 150 रुपये लगा है और ये जो पैड मैंने लिए हैं ये मुझे पड़े हैं 230 रुपये के, यानी कि टैक्स वगैरह सब मिला के मुझे 550 रुपये मैंने पे किए। अब मुझे जो मैंने इंजन गार्ड लगवाया था वो लग नहीं रहा है लेग गार्ड की वजह से, तो उसका मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद वो लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारी ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी लंबे सफ़र पे जाना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल बाइकर बनना चाहते हैं, तो हमारी आई बटन में वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, किस किस आपको एक्सेसरीज़ की ज़रूरत होगी, जो भी हमने जैकेट वगैरह ली थी वो सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। और एक लंबे सफ़र से जाने से पहले आपको बाइक में क्या क्या चेक करवाना है, क्या क्या आपको काम सीखना है ताकि आप खुद से एक मैकेनिक बन के ठीक कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।